गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूस में किस तरीके से पैसिव एक्टिव को पैसिव में किस तरीके से बदला जाता है, छोटी सी वीडियो बनाई थी। अब मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का विस्तार पूर्वक आपको बताने की कोशिश करूंगा और उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। कॉन्टिन्यूस चल रहे हैं तो एक्टिव से पैसिव कैसे बनेंगे यही जानना है। तो सबसे पहले हमने लिया है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा अफर्मेटिव, जिसमें मैंने एक्टिव की भी कंडीशन दी है और पैसिव की भी कंडीशन दी है, एक्टिव की भी कंडीशन दी है और पैसिव की भी कंडीशन दी है। जब हम अफर्मेटिव पर जाते हैं तो एक्टिव में हमें मिलता है सब्जेक्ट इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी मिलती है, प्लस ऑब्जेक्ट मिलता है और प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। लेकिन जब हम इसके पैसिव में चेंज करते हैं इसको तो इसमें कुछ बदलाव आते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले उठा लाते हैं तो ऑब्जेक्ट हम सबसे पहले ले आए और ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे। उसके तुरंत बाद इज आर एम के तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आएगी उसे कायम चेंज कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में और वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद हम कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे और प्लस बाई सब्जेक्ट लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, जब नेगेटिव पर हम जाते हैं तो एक्टिव में हमें क्वेश्चन मिलती है सब्जेक्ट इज आर एम और उसके साथ नॉट लगा हुआ होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट हमें मिलता है। जब हम इसको एक्टिव को जब पैसिव में बदलते हैं तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठा लाते हैं और ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हम इज आर एम का प्रयोग करते हैं। इज आर एम के तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का, और नॉट के तुरंत बाद हम बी का प्रयोग करते हैं और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और प्लस कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं और प्लस बाई सब्जेक्ट। अब मैं ये बताऊंगा कि इज आर एम का प्रयोग कैसे करेंगे। इसका प्रयोग करते हैं हम बी के साथ, सी के साथ, इट के साथ, एनी नेम के साथ, और आर का प्रयोग करते हैं हम डे के साथ, यू के साथ और बी के साथ, और एम का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, केवल आई के साथ। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में एक्टिव की जो कंडीशन है वो है वर्ब की जो फॉर्म आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी और जब हम इसे पैसिव में बदलेंगे तब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आएंगे। थैंक यू।